नमस्कार मित्रों, आप बोलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद। या बिल्कुल जय हिंद बोलिए, जय हिंद को अपने भीतर लाइए। जय हिंद पुलिस का ही नारा नहीं है, देश का भी नारा है, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और एक बहुत ही महान तपस्वी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने पूरी देश की जिंदगी को बदला, ये उनका नारा है। इस नारे के साथ हम शुरू कर रहे हैं मित्रों। हमारे इस समय परिष्कार में 6 बजे 2 लाइव होते हैं, एक रीट का लाइव हो रहा है और एक आपका लाइव हो रहा है, तो 2 प्रोग्राम एक साथ ही लाइव होते हैं। इसकी वजह से थोड़ा टेक्निकली भी थोड़ी देर हो जाती है। तो ये हम लोग शुरू कर रहे हैं मैं आज, और कोई अभी प्रश्न नहीं, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर भेजे हैं, विकास वगैरह ने कुछ नहीं, मैं कल उसको टेकअप करूँगा, लेकिन आज मैं शुरुआत उपसर्ग से, डायरेक्ट उपसर्ग से शुरू कर रहा हूँ। देखो उपसर्ग में क्या क्या है। हाँ, ये पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण लिखी, क्योंकि हम सबसे पहले संस्कृत व्याकरण के उपसर्ग पढ़ेंगे, फिर अपने हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं, और फिर उपसर्ग हमारे अरबी और फारसी के हैं। तीनों प्रकार के उपसर्ग हमारे पास आए हैं। आपने देखा पिछले परीक्षा का कल मैंने विश्लेषण प्रस्तुत किया था, उसमें संस्कृत के उपसर्ग भी थे, उसमें हिंदी के उपसर्ग भी थे, और उसमें बेचान और बेईमान और वो सब जगह उर्दू के उपसर्ग भी थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत के उपसर्गों के साथ। देखो संस्कृत के उपसर्ग में बिल्कुल आप सब लोगों ने जय हिंद बोला, राजेंद्र कुमार, खुशी यादव, सुनीता बंशीवाल और विकास चौधरी, तो मनोहर जाट और अभिषेक यादव, रमा कुमारी और आशुतोष, आशुतोष आप सबको राज यादव, आप सबको बहुत नमस्कार। चलो हम देखो आज शुरू करते हैं। देखो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी, पाणिनि ने जो संस्कृत की व्याकरण लिखी, उसका नाम अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बहुरी समास, अष्टाध्यायी जो है एक पुस्तक का नाम है, तो अष्टाध्यायी है। और उसके उपसर्ग में 22 उपसर्ग गिनाए, ये देखो 22 है, 22 उपसर्ग है। और उस 22 उपसर्ग को एक नज़र आप देख लीजिए, बिल्कुल प्रय उपसर्ग है। कितने प्रय पढ़ चुके हम लोग, प्रेक्षक जो है, प्रेक्षक और प्रेषक वगैरह में है, परा ये पिछली बार आ ही चुका, परा, परामर्श, परायण, यही आ रहा है, परायण, परायण पिछली बार किया, पर आ चुका है। अप उपसर्ग, अप यानी बुरा, अपेक्षा, अपकार, और सम उपसर्ग है, मैं के हल लगता है, सम का मतलब उचित है, आगे देखेंगे। अनु उपसर्ग है, बिल्कुल बहुत कॉमन उपसर्ग है। अउपसर्ग है, अवनति, अवसाद। दुरुपसर्ग है, दू नहीं होता और दुरुपसर्ग है। दुस, निर और नी नहीं होता, दू और नी होते ही नहीं, ये पाणिनि के यहाँ पर नहीं है, निस है, तो दुर, दुस, निर, निस। वी उपसर्ग है, खूब कॉमन है, यण संधि में खूब किया, दीर्घ संधि में खूब किया। आ है, नी है, नी उपसर्ग है। अभी उपसर्ग है, अपी है, अपी, हालांकि इसके बहुत कम शब्द मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपी। अति उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। उद है, उतना ही है, ये देखिए उतना ही है, लोगों ने भ्रांति पाल रखी है, दू नी और उत कर रहे हैं, संधियां भी कर रहे हैं, या हाँ। इसके बाद में अधि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, परि उपसर्ग है और उप उपसर्ग है। ये हमारे हैं, ये खुशी यादव, कल मेरे एक भी कमेंट शो नहीं हुए, कल काफ़ी बातें तो हुई थी, मुझे ध्यान नहीं है। और अभी जो आपने व्हाट्सअप किए कुछ लोगों ने, उनको मैं कल टेकअप करूँगा। तो आप तक और किसी के और भी सवाल हों और दे दीजिए, फिर एक साथ करते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ये कई दिनों से उपसर्ग जो है पीछे हो रहा है, इसलिए हम लोग उपसर्ग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखो तो पहली तो बात यह है, ये 22 उपसर्ग है। अब ऐसे रटने रटाने का मामला नहीं है, ये उपसर्ग क्या क्या रूप लेते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, इसके लिए या ओके प्रीति, थैंक यू वेरी मच। देखो यहां कुछ चीजें और अच्छी तरह से स्पष्ट लीजिए, बहुत टीचर्स जिनको नहीं पता है संस्कृत व्याकरण का, जिनको अच्छी तरह से पता नहीं है, जिनको बहुत अच्छी तरह से पता ही नहीं इस टीचिंग कैसे, इसका पता नहीं, और वो काफ़ी चल रहा है, और कुछ कोर्स तो इस चक्कर में कुछ चैनल्स ने इतना सस्ता कर दिया है कि उनका बिक नहीं रहा, और इसलिए उन्होंने इतनी कम कीमत पर और PSI का हिंदी का दे रखा है, उस हिंदी का दे रखा है जिस मैंने बताया था 1 से 50 प्रश्नों में 22 गलतियां बताई थी, तो उस कोर्स को 1000 रुपये में कर दिया है, हिंदी का कोर्स।
1000 रुपये मरवाओगे क्या बच्चों को? बच्चों को मरवाओगे? 22 गलतियां तो एक में करा दी, बच्चे 1000 क्या वो सस्ते में भी फ्री में दे दें, फ्री में दे दें तो भी आप सोचिए कि क्या बच्चों को परीक्षा से आउट करवाना है? ये स्थितियां हैं। तो एनीवे हमको जो शुद्ध व्याकरण वो पढ़नी है, शुद्ध व्याकरण पढ़नी है। इसलिए ये तो अब ये दुनिया का आकर्षण है, इसलिए सेल रख दी। उस सेल में आपको जो है फैक्ट्री का जो माल नहीं बिक रहा तो या सेल चलेगी, ऐसे ही चलता है, दुनिया का व्यापार है। लेकिन समझदार लोगों को जो क्वालिटी को जानते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि क्वालिटी क्या होती है। इसलिए देखो उत नहीं होता, दुह नहीं होता, नी उपसर्ग नहीं है, लेकिन भ्रमवश अज्ञानवश इन्हें उपसर्ग मान लेते हैं और नी दू मानकर इनसे विसर्ग संधि भी कर लेते हैं, ये सब अशुद्ध है। इसलिए आप इस बात को अच्छी हो लीजिए। पिछली परीक्षाओं में लोगों ने भ्रमवश भ्रांतिवश ऐसे पेपर में प्रश्न दे दिए हैं, लेकिन अब पेपर्स का ट्रेंड बदल गया है। अब जो पेपर्स की जो खिंचाई हुई है कि ये उपसर्गी नहीं है, इसलिए या क्लैरिटी। थैंक यू वेरी मच प्रेम हुड्डा जी। या अब देखिए इकारांत और उकारांत वाले उपसर्ग। अभी मैं इन 22 में से एक सिस्टम से पढ़ाऊंगा उपसर्ग, ताकि उपसर्ग आपकी मुट्ठी में आ जाए। ये जो उपसर्ग है ना, ये देखो अभी इसमें पहले मैं ई वाले लूंगा। आप देखो इन उपसर्गों में कुछ में अंत में स्वर है और कुछ में व्यंजन है। देखो अंत में व्यंजन कौन कौन से, देखो मैं के हल लगावा ना, ये व्यंजन, रे के हल लगावा ना, ये दुस के हल लगावा, निर के हल लगावा, निस के हल लगावा, इसी प्रकार से उद के हल लगावा, ये अंत में व्यंजन वाले उपसर्ग हैं। इनको मैं एक एक लूंगा, एक एक को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा मैं एक एक। हिंदी में तो उतनी ये सब उन्होंने, ये पुराने बाबूदान आप बहुत पुरानी देख रहे हैं। आप तो 2018 में देखो, 18 में हिंदी व्याकरण जो है ना बोर्ड वाली, उसमें देखिए हिंदी विंदी में कुछ नहीं होता, ये बेवकूफ का लिखने का मामला है। हिंदी का क्या होता है, ये सारा मामला तो संस्कृत का है। उपसर्ग वहां से आया है, हिंदी में कैसे उत्मान लेंगे? कोई जो चीज वहां से संस्कृत से आई हुई है तो वही तो है, ओरिजिनल वही है आपका, आपका थोड़े हो। लेकिन बाद में उन्होंने, अब देखिए 2018 में बहुत चेंज कर दिया। अगर आप 2014 की किताब देखें और 2018 की देखें तो आपको पता लगेगा 2014 में बल्कि 16 में भी नी और दू से संधि कर रखी है, और 2018 की किताब में लिखा है कि नी और दू उपसर्ग नहीं होते हैं, इससे कोई संधि नहीं होती। वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है। कितना चेंज है, कितना परिवर्तन हुआ है, इसको आप देखिएगा। अब देखो अब इसमें कुछ ई वाले उपसर्ग हैं। देखो ई वाले कौन कौन से उपसर्ग हैं, ई वाले देखो, ये उपसर्ग, ये वी है, वी वाले, ये नी है, ये अभी है, ये अपी है, अति है, और ये प्रति है और परी है। इसमें अंत में ई है, हम लोग ई वाले पहले पढ़ेंगे, ई वाले। और इसमें कुछ अंत में ऊ वाले, देखो अनु ऊ वाला है और सु ऊ वाला है। ये देखो गोले वाले जो हैं, इनके अंत में ई है और ऊ है। इन उपसर्गों को हम लोग पढ़ेंगे। या तो है ही, सही हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो, और नहीं पढ़ाएंगे तो जो हुआ सो होगा, ही वैसे ही होगा। इसलिए बात है कि क्वालिटी तो क्वालिटी, और क्वालिटी बोलेगी और वहाँ परीक्षा में तो क्वालिटी पूछी जाएगी। इसलिए बिल्कुल क्वालिटी को, इसलिए क्वालिटी को आपने चुना, खुशी यादव, राइट। अब देखिए हम लोग इकारांत वाले, इकारांत का मतलब क्या, इकार अंत में जिस शब्द के, जिस उपसर्ग के अंत में इकार है। इकार मीन्स, कार मीन्स ध्वनि, इकारांत जिसके अंत में ई की ध्वनि आती है, और उकारांत मीन्स जिसके अंत में ऊ की ध्वनि आती है। इन शब्दों को समझो, इकारांत मीन्स जिसके अंत में इकार आए, कार मीन्स यहां कार का अर्थ है ध्वनि, कार का अर्थ कार्य भी होता है, और आकारांत मीन्स अंत में आए, उकारांत ऊ आए, इकारांत ई आए। तो हम अभी ई वाले और ऊ वाले उपसर्गों को पढ़ रहे हैं। अब देखो अभी संयोग वाले आ रहेंगे। पहले संयोग का मतलब है ए उपसर्ग इनके साथ ये के यही होंगे। देखो
ई वाला है, अंत में ई है, ये ई वाला, और ये व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। देखो अगर व्यंजन से शब्द शुरू होगा यहां पर तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कोई संधि नहीं करेगा, संयोग रहेगा। ये संयोग वाले देख लेना, अगर संयोग में कोई संधि नहीं होगी तो जोखा त्यों रहेगा, आसानी से पहचाया जाएगा। और सामान्यतः अभी दो घंटे अभी नहीं होगी, बी आर चौधरी भी बाद में करेंगे, अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, अभी यूँ दो घंटे में तो बहुत जल्दी खिंच जाएगा नंबर दो व्याकरण को। जिस बहुतों के यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनकी कईयों की व्याकरण बहुत जीरो पर है। बहुत से इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनको हिंदी आती नहीं, और दूसरों को बहुत से हिंदी मीडियम, उनकी भी हालत ख़राब है। अगर दो घंटे आएंगे तो सर से ऊपर जाएगा, सर से ऊपर चला जाएगा, इसलिए एक ही घंटे चलेगी, और एक घंटे टाइम से हो जाएगी, चिंता करने की बात नहीं। देखो अभिमान है, ई है, ये मान है, ये मैं से शुरू हो रहा अभिमान, ऐसा कैसा अतिक्रमण, देखिए कै अतिक्रमण, ये देखिए प्रतिमान, मैं आ रहा, व्यंजन आ रहा, श्रेय परिश्रम, और ये देखिए नियुक्त, और ये विभ्रम, और ये अनुकूल, और सुपात्र। देखो क्या देख रहे हो, पैटर्न देखो कॉमन, एक एक शब्द को रटने की जरूरत नहीं, ये सब व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, शब्द ही शब्द। देखो यहां है कार, मान, क्रमण, ये सारा जो लाल है, ये लाल जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मूल शब्द है, ये शब्द है, और इसके पहले काले जो हैं वो उपसर्ग है। तो देखो ये जितने भी शब्द शुरू हो रहे हैं वो व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, अभी देखना इसके बाद में स्वर से शुरू होने वाले शब्द आने वाले, स्वर से शुरू होने वाले शब्द आने वाले। अभी इनको देखो, व्यंजन से शुरू होने के कारण संधि नहीं होती, संयोग होता है, और ये ज्यों के त्यों, जो इनका मूल रूप है वो मूल रूप ऐसा का ऐसा ही है, अभी देखना आगे चल करके परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन देखिए इनमें मूल रूप है और सामान्यतः ऐसा ही है, और ऐसे परीक्षा में बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर, ये तो बहुत आसान बन जाता है ना, धीरे से आप पहचान लोगे, इसलिए। आगे चलिए, देखिए ये देखो, अब इकारांत उकार दीर्घ संधि कर गए, दीर्घ संधि होगी, देखो दीर्घ संधि कब होगी इकारांत में, जब ई के बाद ये उपसर्ग है, ई ये अधि है, और इसके बाद ई आ गया, तो ये ई और ये ई मिलके क्या बनेगा, बड़ी मिलेगी, ये छोटी है और ये बड़ी है, और बड़ी छोटी और बड़ी क्या बनेगी, बड़ी बन जाएगी, और बड़ी बन के फिर कहां लगेगी, यहां पर लगेगी, और ये अधीक्षक है। अब आप पहचानिए अधि उपसर्ग है तो अधि उपसर्ग छोटी का, लेकिन बड़ी बन गया। ये देखो अभीष्ट, अतीत, प्रतीक्षा, परीक्षक, वीक्षक, अनुदित और सूक्ति। अब देखो इसमें उपसर्ग जो छोटी के थे वो क्या बन गए, वो देखिए बड़ी के बन गए, ये छोटी वाले बड़ी के बन गए, और छोटा ऊ वाले किसके बन गए, बड़े ऊ के बन गए। इसका मतलब, और संधि कौन सी हुई होगी, ये दीर्घ संधि हुई है, दीर्घ संधि को पढ़िए। देखो अब बहुत अच्छी तरह से देखिए क्या है, यह है ताकत पीपीटी की, एक बटन दबाया और खूबसूरत रंग में, और आपको पता लग गया कि यस क्या है, ये अधि, देखो ये छोटी है, ये छोटी है, और इधर क्या है, ये बड़ी है, और इधर छोटी है, बड़ी है छोटी है, और छोटी और चाहे बड़ी हो बन क्या जाता है, बड़ी। ये देखे छोटी और छोटी क्या बन गई, बड़ी, अति इत क्या बन गया, बड़ी, प्रति और ईक्षा क्या बना, बड़ी, ये सब, और परि और ईक्षण क्या बना, बड़ी, वी और ईक्षक क्या बना, वी, और ऊ क्या बना, बड़ा ऊ, और छोटा ऊ छोटा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ। अब आप दीर्घ संधि, जिन्होंने दीर्घ संधि अभी ढंग से नहीं पढ़ी, नए जुने वे भी बिल्कुल है, या बिल्कुल एक ही घंटे चलाएंगे, मुझे मालूम है इतने वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग एक घंटे से ज़्यादा व्याकरण, खासतौर से व्याकरण है भाई, है ये अगर इतिहास होता ना तो ज़्यादा समय चल जाता, व्याकरण एक घंटे से ज़्यादा नहीं, कुछ व्याकरण में कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट में ज़्यादा चलेगा तो बहुत घिचपिच हो जाएगा, और जो बच्चे बहुत अभी सामान्य शुरुआत वाले उनके तो बिल्कुल ही घिचपिच हो जाएगा, इसलिए एक घंटे से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। आप देखो कॉन्सेप्ट, देखो एक एक शब्द को रटने की जरूरत नहीं, एक एक उपसर्ग को रटने की जरूरत नहीं। ये देखिए अधीक्षक, छोटी छोटी छोटी, ये उपसर्ग तो सब छोटी के, ये छोटी कर छोटे ऊ के, लेकिन बन क्या गए, ये बड़ी बड़ी और बड़े ऊ के बन गए। बन क्यों गए, क्योंकि आगे जो संधि हो रही है वो छोटी और छोटी या ऊ की संधि हो रही है,
तो ये जब छोटी और छोटी बड़ी बनेगी, छोटा और छोटा बड़ा बनेगा, ये संधि हो गई। अब आपको इसमें से अधीक्षक में से उपसर्ग छांटोगे तो क्या छांटोगे? अधि। अभीष्ट में से अभि, अतीत में से अति, प्रतीक्षा में से प्रति छांटोगे, और परीक्षण में से परि छांटोगे, वीक्षक में वी छांटोगे, अनुदित में अनु छांटोगे। बन तो गया बड़। अनुदित मीन्स ट्रांसलेटेड, जिसका ट्रांसलेशन हो गया उसका। और सुअरुक्ति, ये सुअरुक्ति ये हो गया। तो अब देखिए, हमको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि उपसर्ग हमारा छोटी का है और ये बन गया बड़ी में। अब बड़ी में से हम लोग छोटी को पहचाने और बड़े में से हम छोटे को पहचाने, ये हमारा सोच होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए। ओके, ये आप अगर लिखते भी हैं, लेकिन ये सब आपके पास तो मिलेगा, वरना तो इसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ये तो आपके पास मिलेगी ना, आपको पीडीएफ मिलेगा ना, लेकिन आप तो इसको अभी तो ऐसे समझते चलो। ये सब लिखा हुआ आपकी किताब में लिखा हुआ है। आप मेरी किताब व्यावहारिक सामान्य हिंदी, इसलिए उसको रखिए, इसको समझिए और फिर किताब को जाके पढ़िए। इसलिए लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, यही तो बात है। इसमें कम समय में ज़्यादा सीख पाएंगे। ये सब अभी समझ लो और उसके बाद में चाहो तो आप किताब भी अपने पास में रख सकते हो, किताब देख सकते हो, किताब के साथ चलेगा और रजिस्टर साथ चलेगा, किताब और रजिस्टर दोनों के साथ चलो, आपको पता लग जाएगा। और फिर बाद में इस लेक्चर के बाद में आपको किताब पढ़नी चाहिए, रोज किताब पढ़नी चाहिए कि देखो आज जो यहाँ पर दिखाया गया वो ये रहा किताब में। कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा लेक्चर को सुन लीजिए, वरना तो आपको ये किताब के साथ जोड़ करके देखेंगे। अब देखिए, नी उपसर्ग के साथ ई वाला कोई शब्द नहीं है, वरना आप कहेंगे साहब नी कहाँ गया? नी भी तो छोटी का है, लेकिन इसके बाद छोटी या बड़ी वाला कोई शब्द ही नहीं, कोई उदाहरण ही नहीं है, इसलिए नी का ई वाला कोई उदाहरण नहीं है। ओके, अब देखिए, यह आहुत का अर्थ क्या होता है? ये अभी क्यों पूछ रहे हो? आहुत अभी, अभी बाबू राम अभी आहुत क्यों कर रहे हो? आहुत क्यों पूछ रहे हो अभी? ऐसा नहीं, आप इस चीज को खो दोगे, इसलिए जो है ना। अब देखो, इकारांत और उकारांत के बाद, इकारांत और उकारांत के बाद उपसर्ग आ रहे हैं और कौन सी संधि बनेगी? यण। यण ध्यान दीजिए, ई के सम बदल जाता है, यण में यह में बनता है, और ऊ के सम बदलता है, वह में बदलता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, यण संधि को याद कीजिए। या ये देखिए, अध्याय, देखो आप सामने देखो, बहुत खूबसूरत ढंग से देखो, दिमाग समझाने के लिए। ये सब उपसर्ग है छोटी वाले, वही है अधि अभी अति और प्रति परिनी और वी और अनु और सु, वही उपसर्ग है, उपसर्ग वे ही है छोटी ई वाले। यह है छोटी ई वाले, इकारांत और उकारांत वाले, छोटी ई और छोटू वाले। अब देखो बन के आ गए, इन ई के बाद में असमान स्वर आ गया, आ गया, ए आ गया, ऊ आ गया, ई के बाद ऊ आ गया, इसी प्रकार से ई के बाद आ गया, ए आ गया, आ गया, आ गया, और ऊ के बाद ए आ गया, और ऊ के बाद ए आ गया, असमान स्वर आ गए। जब असमान स्वर, तो आपने संधि पढ़ी है ना, या रोज लेक्चर के बाद आपकी किताब पढ़ता हूं और संडे को पूरा रिवाइज करता हूं। अभिषेक यादव, बिल्कुल यही सही तरीका है। आप अभी नोट्स मत बनाइए, अभी आप केवल मेरे से सुनिए, लेक्चर सुनिए, नोट्स आप उसके बाद किताब के बाद बनाना। लेक्चर सुनो, लेक्चर के बाद किताब पढ़ो। लेक्चर तो किताब तो लेक्चर से भी बड़ी है ना, उसमें ज़्यादा उदाहरण है और वह आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन मेरा लेक्चर उसके पहले सुनना जरूरी है। इस लेक्चर को सुनने से किताब समझ में आ जाएगी, फिर किताब को लेकर के आप कुछ भी नोट्स बना लीजिए। लेकिन अभी अगर आप नोट्स बनाने में लगेंगे ना, तो मेरे जो पढ़ाने का जो समझाने की जो खास बात है, वो आपके दिमाग से इधर उधर हो जाएगी ना, तो फिर किताब को पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए अभी जो मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ चलो, उसके बाद किताब के साथ हो जाना। मेरे साथ चलने का मतलब अपने दिमाग को यहाँ समझ के साथ जोड़ देना। अभी देखो, ये सब ई है, ये सब ई है, कॉन्सेप्ट समझिए आप, ये ई है और ये ऊ है, ये सब ये स्वर बता रहे हैं, ई वाले स्वर और ऊ वाले, देखो ई के साथ में ऊ के साथ में सब रेड है, और ये ई किस बदल गया? ये में, ये रहा ये में, ई बदल गया ये में। ये देखिए, ये ई
ई बदल गया ई एम, ये ई बदल गया ई एम, ये ई बदल गया ई एम, ये ई बदल गया ई एम, और ये ऊ किस बदला व में, ऊ किस बदला व में, यह है यण संधि, ये यण संधि है। अब यण संधि आपको आती है, खूब पढ़ी चुके हम लोग यण संधि को, खूब मजे से आपने पढ़ा है, नहीं तो मेरा जो अभी जो नए बच्चे कोई आज भी ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा बता दीजिएगा आज कौन किस किस ने ज्वाइन किया, ताकि लेकिन आपको वेरी गुड 2019 में ले ली थी, लेकिन प्रेम हुडा ये ध्यान रखना 2019 में जुलाई वाली होनी चाहिए किताब, जुलाई से पहले जो किताब है वो पुराना संस्करण, अगर नया संस्करण है तो वही होना चाहिए, नया संस्करण पूरा पीएसआई के सारे टॉपिक को ध्यान में रखकर है, नए संस्करण में संज्ञा सर्वनाम वाच्य बिल्कुल काल क्रिया सब डिटेल में वृत्ति पक्ष सब, बल्कि नई नई जो किताब वो पूरी पीएसआई को ध्यान में रखकर की है, इसलिए और बस वहीं से पेपर आने को, और आता ही रहा है उसमें क्या कोई बात कोई शक थोड़ी है, किताब कहाँ पेपर कहाँ से जाएगा, उससे बाहर जाना मजाक थोड़ी है। तो या तो मैंने आपने ज्वाइन किया, ओके सुमन यादव आपने ज्वाइन किया, बेटे जी आपको मेरे अब तक के जो जो हैं आपको मिल गए होंगे, आपको अब तक के मेरे जो लाइव लेक्चर्स हैं उन लाइव लेक्चर्स को आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल उनको पढ़िए। या सुमन आपने किया, बस आज तो मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 20 मिनट तो हो ही गए मेरी क्लास को। आपने भी ठाकुर राम आपने लिए, तो आप भी ये ठाकुर राम आप जो मेरे लेक्चर हैं ना संधि वाले लेक्चर, बिल्कुल संधि वाले लेक्चर, अभी अभी ये दूसरा टॉपिक शुरू हुआ है, लेकिन संधि वाले जितने भी लेक्चर हैं उनको सबको आपको सुननी है। किताब तो अच्छी है प्रीति, तो है ही वो तो, थैंक यू वेरी मच। हाँ कोई कोई बात नहीं, देर हो गई तो, लेकिन आप फिर बाद में पढ़ सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, या ये सर डिजिटल सिस्टम का ही कमाल है। यस बी आर चौधरी, आप तो बहुत पहले से जानते हो, वरना मेरे वैसे जॉब वाले दर्दी कभी वापस आपसे नहीं पढ़ पाते, और हमारा ऐसा ही बनने का, ये बिल्कुल सही। और बी आर चौधरी बनोगे, बहुत बनोगे, परिष्कार ये समझिए कि पीएसआई हिंदी है और हिंदी परिष्कार। ठीक, देखो यहां पर ई है, ई यह में चेंज हो गया, ये ई यह में चेंज हो गया, सब मैं बता चुका हूं, ऊ में। अब आपको अध्याय में से कौन सा उपसर्ग होगा, अधि, अभ्यंतर में से अभी, अत्युक्ति में से अति, प्रत्याशा में से प्रति, पर्यटन में से परी, ये रह जो है और यह ई में बदल के परी, और न्याय में से नी, और व्यायाम में से वी उपसर्ग, और अन्वेषक में अनु, ये रहा अनु, और स्वस्ति में से सु। ये हम लोग खूब ये अभ्यास हम यण संधि में कर चुके हैं, यण संधि आप पढ़ोगे तो आपको खूब मजा आएगा। या अब देखो दो उपसर्ग नहीं होता, अब हम आगे शुरू कर रहे हैं। अभी हमने कौन कौन से उपसर्ग शुरू किए, अभी हमने नो उपसर्ग लिए, नो उपसर्ग 22 में से नो ले लिए हमने, नो कौन कौन से लिए, ई वाले और ऊ वाले। ई वाले हैं देखो, ई वाले ये हमारे उपसर्ग है, ई वाले, ई वाले देखो, एक दो तीन चार पांच छ सात, तो ये हो गए, और आठ और नौ, ये नौ उपसर्ग ले चुके हम, कितने में से, 22 में से। और ये बता चुके कि अगर व्यंजन से शुरू होता है, अगर व्यंजन से शुरू होता है तो ई ई रहती है, यह है अधिकार, अधि और कार, ये व्यंजन से शुरू हो रहा है, अधि अधि रहेगी, और अगर बड़ी की मात्रा आ गई तो ये अधि और ईक्षक, ये क्या बन जाएगा, ये अधीक्षक बन जाएगा, अधीक्षक बन जाएगा, इसका मतलब छोटी और बड़ी क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, और अगर असमान स्वर आ गया तो ये अधि और आय, और ये अध्याय हो जाएगा, अध्याय हो जाएगा, अध्याय में सब अधि उपसर्ग, तो तीन रूप मिलेंगे हमको, एक मिलेगा व्यंजन होने पर ज्यों का त्यों, दूसरा मिलेगा बड़ी की माने होने पर ये बड़ी बड़ी मिलेगा, और तीसरा अध्यय में मिलेगा, अध्य में मिलेगा जो अधि उपसर्ग होगा। ये हमने पढ़ा, अब हम नया उपसर्ग पढ़ रहे हैं, और वो देखो यह है उपसर्ग दुर, दुर उपसर्ग है, अब नया उपसर्ग, और ये अब व्यंजन वाले पढ़ रहे हैं, व्यंजन वाले देखो दुर उपसर्ग है, दुर, दुर का पहला रूप क्या है, दुर के तीन रूप मिलेंगे आपको,
दुर्ग तीन रूपों में मिलेगा। यह हमको बिल्कुल लॉजिकली हमको समझना है। तो देखो दुर जो है ये आधार है, कहां जाता है? ऊपर जाता है दुर। देखो कब जाता है? जब व्यंजन से शब्द शुरू, दुर्बल, ये बै व्यंजन शुरू हो रहा है तो आधार है कहां चला गया? ये चला गया दुर्बल, खूब जानते हैं हम लोग, ये संयोग है, इसमें कोई संधि भी नहीं है। या ओके, किताब अभी आपने लिए ठाकुर राम? ओके, मैंने अभी बुक ली है, क्लास तो पहले से ले रखी है। ओके, क्लास पहले से, अच्छा किताब अब लिया। ओके, अब देखिए तो अब मजा आएगा आपको, इस क्लास को किताब को जोड़ देना, बस क्लास के स्टार दो यहाँ हैं और किताब के दो स्टार इधर हैं, ये दोनों स्टार, दो दो स्टार, दो दो मिलेंगे ना, ये सब एक किताब के और एक लेक्चर के, दोनों मिला करके अद्भुत काम हो रहा है। ये दुर्व्यसन, देखो ऊपर शब्द क्या है? व्यसन, बल, व्यंजन से शुरू हो रहा है, बैसे बैसे, आप देखो जे 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 यानी जीतने योग्य, दुर्जय यानी मुश्किल से जीतने योग्य, दुर्जय। आगे देखो दुर्लभ, लभ यानी प्राप्त करना, शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा, लभ यानी प्राप्त करना, दुर्लभ मुश्किल से प्राप्त करना, तो सुलभ आसानी से प्राप्त करना, ये दुर्गम है, दुर्गम, गम यानी गमन करना, और दुर्गम जिधर जाना मुश्किल हो, कठिन हो, दुर्गम स्थान। अब देखिए अगर इसके बाद स्वर आ जाए तो ये रह भाई साहब क्या बन जाएगा? ये पूरा रह बन जाएगा, इस सिस्टम को समझिए, ये सब जगह काम आएगा, ये सिस्टम दुर में भी काम आएगा, निर में भी काम आएगा, सम में भी काम आएगा, उद में भी काम आएगा। क्या, कौन सा सिस्टम? अगर अगर स्वर रहित व्यंजन के बाद कोई स्वर शुरू होगा तो स्वर इसमें मिलेगा और रह हो जाएगा। देखो ये दुर्वस्था, अब बताइए इसमें हुआ क्या? ये रह आधा, ये पूरा क्यों बन गया? इस पे लॉजिक कीजिए, ये पूरा क्यों बन गया? इसलिए बन गया, मूलतः ये दुर है और शब्द था अवस्था, अवस्था में भी दो उपसर्ग, एक ये रहा उपसर्ग, एक उपसर्ग ये रहा एक उपसर्ग। अब रह और रह मिलके क्या बन गया? इंपॉर्टेंट बात है, रह पूरा बन गया। तो देखो दुर अवस्था, इसका मतलब ये रह कब बनेगा? स्वर के आने पर, ये स्वर, इसका मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कि रह पूरा इसलिए बना है क्योंकि इसमें से स्वर निकलेगा और ये अवस्था होगा। ओके, आगे चलिए, ये दुर अवस्था, ये देखिए ध्यान दीजिए, आपको एक एक उपसर्ग नहीं तैयार करना और पता नहीं वहां कौन सा शब्द आ जाएगा, नहीं मालूम, आ जाने दो कोई भी, आपको सिस्टम समझना है। इसलिए सिस्टम समझिए, मैं इस सिस्टम को वर्षों से समझाता रहा हूं, इसी सिस्टम से समझ करके लोग अब तक सफल होते रहे, अभी भी मैं ऑफलाइन जो क्लासेज लेता हूं इसी सिस्टम से, इसी सिस्टम से। और जो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के थे और जिन बच्चों को कुछ हिंदी नहीं आती थी, वो मतलब ये समझिए कि वो दीर्घ संधि भी नहीं करना आते थे, आज वो एक महीने के बाद उनमें जो चेंज आया और इतना कॉन्फिडेंस आया कि सर अब तो हम फोड़ देंगे, ऐसा चेंज उनमें महसूस हो रहा है उसको देख करके, तो इसका मतलब ये सब हो सकता है। अब देखिए, अब दुराशा में से खुद आप उपसर्ग छांटो, दुराशा में से छांटिए, या दुर्गपति, दुर्ग दुर्ग है जिधर जाना कठिन हो, दो ये कौन से, दो जुलाई 2000 यहां से संस्करण से लेनी चाहिए, जुलाई 2019, इसके बाद का संस्करण। ये देखो दुर्वस्था, दुर्वस्था, अब दुराशा में क्या करोगे आप? शाबाश, ये कर दिया दुराशा में, तन्मय चौधरी ने कर दिया, शाबाश बेटा, शाबाश दुराशा, बाबूराम दुर दुर दुर, और आशा बी आर चौधरी, आशा, यही तो है दुर और आशा, रह में से आ निकल गया और ये रह हो गया, ये दुर और आशा, दुराशा। अब देखो यहां ध्यान रखना, लोग दुरावस्था कर देते हैं, ये शब्द शुद्धि का मामला है, देखो दुराशा, अभी शब्द शुद्धि पकड़ में आएगी, ये दुराशा में रह में आ सही है लेकिन ये दुरावस्था गलत है, दुरावस्था शब्द शुद्धि में आ चुका है, ये क्यों गलत है बताओ? अरे इधर ए है,
तो रह रहे तो है ही, तो रही तो होगा, दुरावस्था कैसे हो सकता है? अवस्था थोड़ी है। अगर ये दुरावस्था करोगे तो आप क्या मान रहे हो? या तो दुर और अवस्था कर रहे हो, या आपको ध्यान नहीं है, दू को रे को पूरा कर रहे हो और अवस्था कर रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो और ऐसा करके रे में ए कर रहे हो और ए कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि रे में तो आधा है। आप जबरदस्ती ए रे करके आ कर रहे हो। लोगों ने कर दिया, किताबें लिखी पड़ी दुरावस्था में, नहीं मालूम है दुर्वस्था है या दुरावस्था दुराशा। अब आप देखिए दुरुपयोग इसमें छांटिए, क्या करोगे आप इसमें छांटिए? या हरीश एंड कृष्ण कुमार एंड अभिषेक यादव और मानक राव और बिरदाराम, एकता, गायत्री, बिल्कुल सही, दुरुपसर्ग विष्णु जी, बिल्कुल सही है एकता। क्या अब देखिए क्या है दुरुपयोग में, क्या करेंगे? दीपक चौधरी क्या कह रहे हैं? विश्लेषण, वैद, वैदविन में उपसर्ग, संधि, मूल शब्द बताइए। ये अभी क्यों कर रहे हो आप? अभी उपसर्ग पढ़ो ना, अभी उपसर्ग पढ़ो, आप खुद ही बता लोगे, आप खुद ही छांट लोगे इसमें, इसलिए इसको हटाओ, इसको अभी आप खुद छांट लोगे, ये तो बाद में बताएंगे। शाबाश, साहब बच्चों ने दुरुपयोग किया, मेरा भी रिप्लाई कीजिए ना। वो अनिशा शर्मा, अनिश शर्मा, ओके ओके। ये देखिए दुर्गा उपयोग, दुर्गा कहां से कर लाए भाई, दुरुपयोग है ना, दुरुपयोग, शाबाश, ये दुरुपयोग है। कुल मिला के इधर से क्या छाटोगे? ओ, और फिर बच गया रे, बस किताब उपयोग में दो उपसर्ग है, उप अलग है, उपअवस्था है, अवस्था में दो है, यहां तो एक ही है, यहां एक उपसर्ग है, एक उपसर्ग है, अलग अलग उपसर्गों को छांटते चलो। पिछली बार ये आया किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है, और वो जो है ये अव्यवस्था आया था, अव्यवस्थित शब्द आया था। आगे चलिए, इसको छांटने, इसको छांट लो अगर दिमाग है तो। अगर आप इसमें से छांट सकते हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको उपसर्ग और शब्द को टुकड़े टुकड़े करना आ गया। इस शब्द को अगर आप छांट लोगे तो बिल्कुल आचार्य राघव सर का लाडला, थैंक यू। और मैं तेरा नाम तो बता, राघव सर का लाडला, देखो बताओ ये लिख रहा है बदमाश, ये अपना नाम, अब मैं, मुझे तो जानना चाहिए ना, तो तेरा नाम क्या है भाई, बेटा नाम बताओ। देखो जगदीश चौधरी ने फोटो चेंज कर दी बच्चे की, वेरी गुड, शाबाश, ये खुशी, वेरी गुड, खैशी गुड, यस। और ये लाडले ने भी कर दिया, और कमलेश मीना और दीपक चौधरी, सुनीता, यस बिल्कुल, ये अब ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि रे में से निकालोगे क्या, छोटा है कि बड़ा है? तो बड़ा हुआ है ना, ये छोटा हुआ है, देखो ध्यान से, ये छोटा हुआ है, और ये ध्यान से देखो बड़ा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, इसलिए यही है दुर ऊ, रे में से ऊ का अर्थ होता है विचार, और जो समझने में कठिन हो, समझने में जो विचार कठिन हो उसे दुरू कहते हैं। ये तो मेरे लिए दुरू है, ये मेरे लिए छांटना बहुत मुश्किल है। दुर ऊ दुरू है, दुरू यानी ऊ यानी विचार, और दुर यानी कठिन, ये दुरु विचार हो गया। अब देखे दुरुपसर्ग, तीसरा रूप है दुर का, ये दू है। देखो दो रूप आ गए, एक यह है दुर और व्यंजन से शुरू हुआ, और यह चला गया दुर्बल, यह संयोग है, कोई संधि नहीं है, दुर ऊपर चला गया, रे ऊपर जाकर के लग गया संधि। दूसरा यह है दुर, दुर और आशा स्वर से, यह देखो यहां पर है स्वर, यहां पर है व्यंजन, व्यंजन होने पर रे ऊपर जाएगा, स्वर आने पर स्वर इसमें मिलेगा, और यह बनेगा दुराशा, यह दूसरा रूप है। तो एक तो दुर आपको ऐसे मिलेगा, देखो एक दुर कैसे मिलेगा, दू और रे का झंडा, एक तो ये रूप मिलेगा, दूसरा कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा दुर, उसके आगे मात्रा लग भी सकती है, दुरावस्था में मात्रा नहीं लग रही, ऐसा एक ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा। देखो कब मिलेगा ये, अगर इसके आगे रे से कोई शब्द शुरू हो रहा है, संधि में पढ़ चुके हैं, या थैंक यू वेरी मच खुशी राम, हमारी तो शुभकामना बिल्कुल है बेटा, आपकी शुभकामना के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चों का जो भी सपना है वो पूरा होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से, बड़े बेरोजगारी के बहुत कठिन दौर से मैं भी गुजरा हूँ, मुझे मालूम है कितना कष्ट,
आप सोच नहीं सकते, मैंने यूनिवर्सिटी का टॉप किया था और दो साल तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी और बहुत गरीबी में था। मेरे छोटे भाई बहन साथ साथ पढ़ते थे, उनका खर्चा उठाना और मेरे पास नौकरी नहीं, दो साल तक नहीं। फिर RPSC हुई, तब जाकर के मैं कॉलेज लेक्चरर बना, यूनिवर्सिटी का टॉपर था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। दो साल तक बेरोजगारी भोगी मैंने, तो सोचो कि बेरोजगारी क्या होती, मैं खूब जानता हूँ। इसलिए मैं सब हर बेरोजगार के साथ हूँ। क्या अच्छा, होली पर घर जाने का विचार है, वेरी गुड। अच्छा, तब तक बिटिया 3 माह की हो जाएगी और पहली मुलाकात हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। ये दुख है बेटी का। अच्छा, ये देखो दुर राज, आप लोगों ने संधि पढ़ी, ये दुर और राज, तो दुराज है, ये रह का लोप होगा, छोटा किस्म बदलेगा, बड़े उम बदलेगा। दुराज बुरा शासन, बुरा शासन, ये अर्थ है, पढ़ चुके आप। और ये देखो दुरम्य, दुरम्य के संधि विच्छेद करो और उपसर्ग छांटो, ये काम अब आप करो। अब जो आपसे हो जाएगा ना साहब, अपना हाथ जगन्नाथ, ये है हमारे कहावत में, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपना हाथ ही बिल्कुल जगन्नाथ। मालूम है किसे पानी पिलाते हैं ना, जगन्नाथ से रामझारे से पानी पिलाते हैं, वो जगन्नाथ है। अपना हाथ ही ये लो पानी पिला दो, झंझट खत्म, काय को किसी को, वही जगन्नाथ हो गया हमारा। तो अपना हाथ यानी खुद के काम करने का कोई मुकाबला नहीं। वो गम बहुत पीछे चला गया, अब तो बहुत उससे आ गए, इसलिए है ना आपने, या दुर्राज में, यस बिल्कुल, रह रम में, शाबाश शाबाश, ये भोमू अशोक एंड विजय सिंह एंड तन्मय एंड दीपक एंड सुरिता, यस आप लोग बहुत, देखो ये है दुर्रम में दुर्लभ, ये है दुर और रम में और रह रह मिलके ये बन गया दू, दू बन गया दुरम, दुर्लभ सौंदर्य को कहते हैं। रम यानी जो मन को रमाए, मन को रमाए, रम यानी मन को रमाना, यह है दुरम में। तो दुर्रम में बिल्कुल सही, अब संधि विच्छेद भी सही हो गया। देखो दुरम में तीन चीजें, इस शब्द में तीन प्रश्न है। नंबर वन, दुरम में उपसर्ग क्या बताओ, उपसर्ग दुर है, दू नहीं है, और इसका संधि विच्छेद क्या है, यह संधि विच्छेद है, और इसमें ऐसा शब्द आ जाए तो यह अशुद्ध है, छोटा ऊ नहीं होगा, ये बड़ा ऊ होगा, ये दुराज ऐसे आ गया, अशुद्ध, ये शब्द शुद्धि है। तो और दुराज में उपसर्ग कौन सा, दुर, और यह है संधि विच्छेद, और यह है इसका संधि रूप, वह शुद्ध रूप। तो आप देखिए तीन इस तरह से, या ये क्या कहना चाह रही है अनिशा शर्मा, सर प्लीज मेरा भी रिप्लाई कीजिए ना, मेरे परसों आपकी ऑफलाइन क्लास अटेंड की थी बट जॉब की वजह से कंटिन्यू नहीं कर सकती। ओके, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ आई गेट द सेम बुकलेट विच यू गिव इन ऑफलाइन क्लासेस, आई एम रेडी टू पे चार्जेस फॉर यू। ओ वो बुकलेट वो, तो यहाँ भी वही मिलेगी, यही मिलेगी अनिशा, यहाँ मिलेगी, वो मिल जाएगी आपको, वो सब यहाँ पर, यहाँ अपनी यहाँ पर हम लोग उसी बुकलेट को यहाँ PDF में देते हैं, तो आप प्रिंट करवा लेना, आप लोगों के लिए वही फ्री है। ओके अनिशा, अगर अच्छा तो आप ओके तो ठीक, एनीवे बिल्कुल आप, हाँ शायद मुझे लगता है आपने बात भी की थी और ऑफलाइन क्लास में थी। ओके, अब देखिए नी उपसर्ग नहीं होता, अब दुर के बाद में निर उपसर्ग आ रहा है इसी पैटर्न का, और वही तीन रूपों में मिलेगा दिर। पहला, अगर व्यंजन से शुरू होगा शब्द तो रह ही रहेगा निर, और ये ऊपर चला जाएगा निर्मोह। अब ये मैं से शुरू हो रहा ना, तो उपसर्ग होगा निर, निर्मोह। निर्देश, देश का अर्थ है, मैंने पहले बताया था देश, देखो देश के तीन अर्थ हैं, देश का अर्थ एक है राष्ट्र जो हम लेते हैं, भारत हमारा राष्ट्र, देश का एक अर्थ होता है स्थान, देश और काल, स्पेस, स्पेस देश का अर्थ है, जिसमें देशाटन करते हैं, देशाटन यानी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करना, या एकता गायत्री, एकता गायत्री, वेरी गुड, ये एकता भी है और गायत्री भी है आप, अच्छा तो थैंक यू सो मच व्यंजन। मेरे से शब्द शुद्धि में थोड़ा दिक्कत हो, धीरे धीरे, ओ कमलेश धीरे धीरे सब हो जाएगा, ये जब पढ़ रहे हो ना आप, माथामारी करोगे संधि में, अब उपसर्ग में करोगे, व्यंजन में करोगे, समास में करोगे, धीरे धीरे सब झाड़ू लगती जाएगी अशुद्धियों पर। अब देखो निर्देश, और तीसरा जो देश है उस देश का अर्थ है कथन, जो आदेश, संदेश, अनुदेश,
अनुदेश, इन सब में कोई न कोई कहा जाता है, निर्देश में कहा जाता है चाय को ऐसे बनाइए, पहले चाय को पानी गर्म कीजिए, फिर बाद में उसमें पत्ती डालिए, दूध सबसे बाद में डालिए, ऐसा करके बना के लाओ, ये निर्देश है। और यार एक गिलास एक 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 कप चाय बना के लाना भाई, ये आदेश। और संदेश, यार हम वहाँ गए और उसने बड़ी अच्छी चाय पिलाई, आप किसी दूसरे को संदेश दे रहे हैं, तो ये संदेश अनुदेश। एक एक कोई बात हुई, उसी के उसी के अनुपालना में फिर दूसरा आदेश जारी कर दिया, वो अनुदेश। अब देखो ये निर्मोह, ये निर्वाचन, वाचन देखो, निर्वाचन अच्छी तरह से वाचन यानी अपनी बात को कहना, निर्वाचन अपनी बात को चुनना अच्छी तरह से। निर के दोनों अर्थ होते हैं, निर का अर्थ होता है विलोम भी, निर्मोह, मोह नहीं होना, और यह निर्वाचन का मतलब अच्छी तरह से वाचन यानी अपनी बात को कहना, अपना वोट देना। वोट देना क्या होता है, अपनी वाट को देना। तो क्या, अच्छा सर मैं वो रीट वाला नहीं हूँ, तीन चार दिन मेरे मैसेज पढ़े नहीं गए, तो मैंने अब नाम चेंज किया तो मैसेज आने शुरू हो गए, शायद कृपा नाम की नाम में ही थी, अटकी हुई थी बी आर चौधरी। अच्छा आप रीट वाले नहीं हो, ओके नहीं हाँ एक बी आर चौधरी भी हैं पहले से जुड़े हुए मेरे, अब वो हो सकता है आप नए हैं तो ओ, लेकिन वो नहीं, मैसेज नहीं पढ़ने वाला कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो मैं नहीं पढ़ूँ तो वैसे ही नहीं पढ़ूँ, और कोई बात नहीं, कोई छांट करके नहीं पढ़ूंगा। यस कथन, शाबाश आपने कहा, उपदेश में भी, यस उपदेश में भी वही बात है, शाबाश। ये किसने जोड़ा, तन्मय चौधरी ने, शाबाश उपदेश बेटा, वेरी गुड, आपने उसी को और बढ़ा दिया। ये निर्गुण देखो, गुण नहीं होना, ये नहीं का अर्थ है। ये निर्लोभ देखो, ये देखो एक खास तौर से ध्यान देखना इसमें, एक और यहां मैं संधि की बात, मैं शब्द शुद्धि की बात कर रहा हूं। देखो ये शब्द है दोषी, वो दोषी है और इसके निर लग गया, अब इसमें ई की मात्रा हट करके क्या बनेगा, निर्दोष। वो दोषी है और निर लगने पर निर्दोष है, निर्दोषी नहीं, निर्दोषी गलत हो जाएगा। वो क्या, दोषी जब बोलते हैं तब हमारा जो जोर रहता है वो दोषी होने पर रहता है, ये तो दोषी है साहब, अब नहीं 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 साहब ये दोषी नहीं है, ये तो निर्दोष है, तो हमारा जो निर पर आ जाता है उसके दोष को नकारने पे आ जाता है, और जब निर पर बल आता है तो अंत की ई हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो देखो निर्दोषी, निर्दोष, निर्दोष होगा। अब देखो ध्यान दीजिए, ये शब्द है लोभी, वो तो लोभी है साहब, ना ना साहब लोभी नहीं है, वो क्या है, वो निर्लोभ है। देखो ये है वो अपराधी है साहब, वो अपराधी, और जब निर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, निरपराध हो जाएगा। देखो ई गायब हो गई, ई गायब हो गई, देखो ई गायब हो गई। अब बताओ, मैं अब एक शब्द दे रहा हूं आपको, उसका आप कर देना, वो अभिमानी है, वो अभिमानी है साहब, बहुत अभिमान करता है, घमंड करता है, अभिमानी। अगर इसके निर उपसर्ग लगाओगे तो क्या बनेगा, बना के बताओ, शब्द बना के बताओ बाप, अभिमानी के निर लगा करके, उपसर्ग लगा करके बताओ। अरे भाई विक्रम मीना, आपके मैसेज क्यों नहीं शो होते हैं, हो रहे ना आपके मैसेज, हो रहे मानक राम, देखो ये मानक राम जो है अभी कई दिनों से जुड़े हैं, भानु अशोक, भामु अशोक यास, एकता गायत्री, रीट का अभी आप बिल्कुल, आप तो 25 के हिसाब से तैयारी करो, एकता निर्गुण निर्देश सर सभी ये सब, और रीट की तैयारी हो रही है अभी, अभी जो चल रही मेरी क्लास, हाँ सभी उपसर्ग के अलग अलग अर्थ जहां जहां होगी, सदाकत खान वहां मैं बताता चलूंगा, बिल्कुल अभिषेक। और आपके जवाब क्यों नहीं देंगे अभिषेक यार, मैं विज्ञान वर्ग से हूँ, बिल्कुल ठाकुर विज्ञान वाले तो बहुत जबरदस्त बच्चे होते हैं, साइंटिफिक ढंग से, और मैं तो विज्ञान के ढंग से ही पढ़ाता हूँ, तरीका ही पढ़ाने का तरीका है, और इसलिए शाबाश निरभिमानी कर गए मानक राम, सब गच्चा खा गए, तन्मय गच्चा खा गए बेटे जी, यस दीपक चौधरी गच्चा खा गए आप सब लोग, जिन्होंने नो सब लोग नहीं, खुशी यादव ने, देखो मनोहर ने, इन्होंने सब ने निरभिमान किया, यस कुछ लोग ध्यान दीजिए इसमें, ई गायब होगी ना, और ये क्या बनेगा,
ये निरभिमान बनेगा। यही तो बात समझने की थी, निर्दोषी निर्दोष, निरअपराधी निरअपराध, निर्लोभी निर्लोभ, तो फिर निरअभिमानी निरअभिमान। अब कर देना, और दे रहा हूं मैं दूसरा शब्द, शब्द शुद्धि चल रही है क्या? शब्द निरअभिमान हो गया अब तो सबका सही हो गया, बिल्कुल। अब शब्द और दे रहा हूं मैं आपको, ये देखो उत्साही शब्द है, वो बहुत उत्साही है भाई, उत्साही है कि नहीं नहीं साहब उत्साही नहीं अब तो, वो तो क्या है वो, अब जो है उसको लिख दो क्या बनेगा इसको, रैब रमा, रमा कुमारी रै पूरा होगा, अभी रै भय के ऊपर नहीं जाएगा, निरभिमान या प्रीति, सही लिखा आपने। अब इसको करो, देखो इसको करो, यही तो है, पता नहीं कौन सा शब्द कैसे आठ टपकेगा और आपका दिमाग उसमें चलेगा, सट से सही करके आओगे। ये ई का लोप प्रीति इसलिए होती है, होता है, बताया ना मैंने, जब आप नकारने पे लगे रहते हैं कि नहीं नहीं है, निर निर्दोषी, तो दोषी का ई गायब हो जाता है। शाबाश, ये लिख दिया, ये बी आर चौधरी आपने तो लिख दिया बेटी जी, बी आर चौधरी ने लिख दिया और बाबूराम ने लिख दिया, साहब 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 तुझे परिष्कार कॉलेज, अच्छा क्या लंबा जोड़ा फास्ट, जल्दी चला गया ये पोस्ट ही, जल्दी चला गया। अब फिर बात देखिए, ये देखो निरुत्साह, ये बनेगा निरुत्साह, बिल्कुल सही किया आपने। अब आप समझिए, जब निरप बल देंगे तो ये वाला जो है हमारा कमजोर पड़ जाएगा और होगा निरुत्साही। अगर आपने निरुत्साही कर दिया, निरुत्साही ये गलत हो जाएगा, ये निरुत्साह रहेगा, निरुत्साही कर दिया तो गलत, तो ये निर्लोभी कर दिया तो गलत, निर्दोषी कर दिया तो गलत, ये शब्द शुद्धि चल रही है, तो ये निर के साथ जुड़ी, निर के साथ जुड़ी हुई है क्या? अब आप चलिए, निर ये जो है निर प्लस स्वर, अगर प्लस स्वर आएगा तो रैप ये जो है दो, ये रै जो है रै पूरा हो जाएगा। ये देखो निरीक्षक, ये देखो अगर अगर दूसरा स्वर अगर प्लस स्वर आ गया तो रै पूरा हो गया, ये हो गया ना। अब बताओ निरीक्षक में से, निरीक्षक में से कीजिए, निरुत्साही आशुतोष रह के वो करना पड़ेगा, ओके। अब आप निरीक्षक में से उपसर्ग और शब्द छांटिए, उपसर्ग और शब्द छांटिए, और इसमें कोई संधि नहीं है। प्रिया आशुतोष एन बसंत एन विकास चौधरी अवनीश एकता गायत्री प्रिया जायसवाल, प्रिया जायसवाल इसको कीजिए आप, या शाबाश शाबाश, ये देखो भामू है, भामू है तन्मय है शाबाश, ये सब सब चल पड़े, सब चल पड़े, बिल्कुल निरोरीक्षक है, कोई संधि नहीं है। ये रै रै और ई मिल के क्या बनेगा, री। कॉन्सेप्ट में जाइए, शब्दों का विश्लेषण करना सीखे, तब जाकर के हम लोग तबला के हम लोग 100 में से 80 से ऊपर 90 से ऊपर जाएंगे। निरीक्षक, बिल्कुल निरीक्षक, आपकी पोस्ट का नाम है ना निरीक्षक, इसका अर्थ क्या होता है? कॉलेज भेजूंगी लेकिन मना करता रहा और कहता रहा कि फिर थोड़े जल्दी चला गया, मैं पढ़ नहीं पाया, आप जो पोस्ट डाल रहे हो ना भाई, कि मैं मेरी माँ कहती थी कॉलेज भेजूंगा, परिष्कार कॉलेज भेजेंगे, फिर क्या करता रहा। इसमें संयोग है ना सर, यस संयोग है, बिल्कुल संयोग है। देखो देखो ये निरीक्षक है, अच्छी तरह से देखने वाला। देखो निर के दो अर्थ होते हैं, एक निरकार होता है नहीं, निर्बल बल नहीं, और एक निरीक्षक, उपनिरीक्षक हैं आप खुद, तो देखिए उपनिरीक्षक निरीक्षक अच्छी तरह से देखने वाला, कहाँ घटना क्या घटित हुआ था उसको जो अच्छी तरह से जांच कर सके। तो हमारे ज्यादातर जो जांच इंपॉर्टेंट जांच वो बिल्कुल सब इंस्पेक्टर के साथ है, तो जांचने वाला निरीक्षक अच्छी तरह से जांचने वाला। मेरे भी कमेंट पढ़ लिया करे, अरे रणवीर मीना, रणवीर विक्रम, तो जो जो मेरे सामने उधर आता है सबको कर लेता हूं। अब देखो निरी, इसमें निरीक्षक तो बहुत कॉमन शब्द था, इसको करो निरी शब्द है, वो तो बेचारा निरी, अरे इतना जल्दी प्रीति, इतना जल्दी कैसे कर दिया, मैंने तो लिखा और ये आपने कर भी दिया, क्या बात है, पहले से आउट है क्या? माता जी कहती थी मुझे, तुझे कॉलेज
भेजूंगा, लेकिन मैं उन्हें मना करता और कहता रहा कि हिंदी तो आती है, कर लूंगा, लेकिन आज आपसे पढ़ने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उनकी बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती, लेकिन आज आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ आपकी। थैंक यू वेरी मच। ये है लोहित कौशिक। ओके लोहित कौशिक, बहुत मंगल कामनाएं, कोई बात नहीं, देर से मिले, मिल तो गए। ये निरी, निरी, ई का अर्थ है इच्छा, और जिसकी कोई इच्छा ना वो निरी है, बेचारा निरी है, कोई इच्छा नहीं, उसको चटनी दे दो रोटी के साथ उसे खा लेगा, प्याज दे दो प्याज से खा लेगा, ये नहीं 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 मैं तो थाली फेंक दूंगा, ना ऐसा नहीं, वो निरी है बेचारा, निरी, निरी जिसकी कोई इच्छा। निरुत्साह, ये देखो निरुत्साह, निरुत्साह, ये निर और उत्साह हो जाएगा। आगे देखो निर और उत्साह, इधर देखो निर और अर्थक, अब निर और अर्थक, ये निर और अर्थक हो गया, और ये है निरभिमान, आ गया शब्द निरभिमान। या संयोग और संधि का अर्थ बाबूराम, बाबूराम बिल्कुल अर्थ के बगैर कुछ भी नहीं है, अर्थ और अर्थ में जाने का दिमाग बना लो, बिल्कुल अपने दिमाग को लगाओ, अर्थ से ही आप कम से कम 10 सवाल ज्यादा अच्छे करके आएंगे अर्थ से। संधि क्यों नहीं है, निर और ईक्षक है चेंज, ये कह रहे हैं कि भाई संधि क्यों नहीं है निरीक्षक में, और भाई संधि कहाँ होती है, ये निर और ये ईक्षक, ये ईक्षक, तो र और ई मिलके क्या बनेगा, री तो बनेगा, ये तो लिखने का ही तो तरीका है, री में क्या क्या है, री में क्या क्या है, र और ई है, तो री में री तो है, री र बोल, र का र बोल रहे हैं, ई का ई बोल रहे हैं, री में और बोल क्या रहे, यास अब निरभिमानी है, बिल्कुल निरभिमान भी है और निरभिमानी बिल्कुल सही है, या दोनों ही, ये निरादर है, निरादर, निर और आदर, निरादर, निर और आदर, निरभिमानी करिए आप, निर आदर, ये निरादर हो गया। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में निरुपसर्ग और पढ़ेंगे हम आज, ये निरुपसर्ग का तीसरा रूप है नी, और देखो ये कब होता है नी, जब शब्द कोई र से शुरू होता हो, जैसे देखो निर्रस, ये र से शुरू हो रहा है, तो निर किस्म बदल गया, र का हो गया लोप, और छोटी किस्म बदल गई बड़ी में, ये व्यंजन संधि पढ़ चुके, संधि में आप जो है पढ़िए, संधि में अगर संधि वाले लेक्चर नहीं पढ़े तो पढ़िए, निर नीरस, नी रोग, नीरो का आप कर दो संधि छेद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके हाथों कल्याण हो जाए इसका। अभी पीपीटी में उत्साह बता रहे नरपत, और अभी पीपीटी में उत्साह बता रहे हो निर उत्साह, या वो तो अच्छा पीपीटी में दी है वो, अगर उत्साही शब्द भी है तो भी उत्साह बनेगा, उत्साही निरुत्साही मतलब यह है। अब निर और अभिमान भी निरभिमान होता है, और निर और अभिमानी भी निरभिमान होता है, और निर और उत्साही भी निरुत्साह होता है, और निर उत्साह भी निरुत्साह होता है, अगर ई आ गया कहीं तो वो भी ठीक, ये बात है खास, ये निरोग है, निरोग, निर और रोग बिल्कुल सही है, है? निर और रोग, ये निरा कैसे कर दिया भाई, नी रोग, नो 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 नो, हाँ नी नहीं, या नी नहीं, नरपत बिल्कुल ठीक, निरा नहीं होगा, निरा गलत है, निर्रोग होगा, रह का लोप होगा, ये होगा, और नीरव का क्या होगा, निर और रव होगा, ये निर और रह का लोप होके छोटी बनेगी बड़ी में, नीरंध्र का इसको करो, नीरंध्र ये पीएसआई के स्टैंडर्ड का शब्द है, ये तो बहुत सामान्य है, सभी में आते रहते। अरे भाई विक्रम मीना जी आपका दिल क्यों तोड़ेंगे, आपका दिल तो बिल्कुल बगीचे की तरह खिलाएंगे, खूब रोशनी करेंगे, आपके दिल में स्टार लगाएंगे। निरोगी का भी वही बात है, निरोगी, निर ये निरोगी हिंदी शब्द है हमारा, या लेकिन अगर होगा तो निर और रोगी होगा, हिंदी का शब्द है निरोगी, वरना मूल शब्द है निरोग, निर्रोग, नीरंध्र, देखो आपने छांट दिया, शाबाश शाबाश छांट दिया, रंध्र का अर्थ होता छेद, और रह आ गया, रह लोप तो गया, बड़ी होगा, और ये नीरुज, ये आ चुका एक नीरुज को देखो, एक अच्छी परीक्षा में आ चुका नीरुज शब्द,
रुज, रुज का अर्थ रोग होता है, निरुज, और यह है निरुज, रुज, रुज, रुज का अर्थ होता है रोग, और रह रह, रह का लोप, और ये बड़ी होगी, निरुज हो गया। या देखो, आज हमने बस इसके साथ दुह का, दुह का कर करेंगे। देखो आज हमने, आज हमने जो आज हमने 11, हमने 11 22 में से 11 उपसर्ग पढ़े, 9 उपसर्ग, 7 तो ई वाले, 7 तो छोटी वाले, अधि वाले, अधि अभि अति, और 2 अनु और सु वाले, अनु और सु, तो ये 9 तो ये हो गए। और फिर पढ़े हैं हमने दुर और निर, ये दुर और निर ये हमने पढ़े, तो ये आज हमने इतने 11 उपसर्ग पढ़े, बाकी उपसर्ग हम लोग कल पढ़ेंगे। बस मैं अभी और कुछ बात आपको कहनी हो, वरना तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच बसंत, बसंत जरेडा, आई लव यू, टू देन आई लव यू ऑल्सो। या सर, थैंक यू वेरी मच आपको। और अब हम लोग बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे अब जाकर के आप किताब पढ़ना, इसके बाद आप इन्हीं उपसर्ग होंगे ज़्यादा भरे, आगे पढ़ के आओ तो बहुत अच्छी बात है, आगे नहीं पढ़ के आओ तो इतने में आ जाएगा। ये पुराने मामला है, अब ये 2018 में निरोग में विसर्ग संधि माना है, ये सब ये पुराने, धीरे धीरे अब देखना बहुत चेंज हो जाएंगे, अब नहीं मानेंगे क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब आ गई ना, अब 18 में वो किताब आ गई, ये तो पुराना मामला हो गया। अब तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेश कर देंगे कि देखो नी और उपसर्ग माना ही नहीं है, तो फिर कह सको, इसलिए पुराने टेस्टों के आधार पर आप लोग आगे बढ़ो, दुनिया बहुत आगे बढ़ती जाती है, सुप्रीम कोर्ट नए से आगे फैसले देता जाता है, अपने पुराने फैसलों को रद्द कर देता है। थैंक यू वेरी मच आपसे विदा लेता हूँ, कल हम उपसर्गों को जारी रखेंगे, आप तब तक किताब पढ़िएगा। नमस्कार।